भाइयों, जिलाध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी आगरा। आगरा पर छा आया ये कोरोना वैश्विक महामारी का संकट। मैं समझती हूँ कि देश में, पूरे प्रदेश में नंबर वन पे पहुँच गया है। आज 380 की संख्या हो गई है कोरोना की, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे आगरा के मेयर नवीन जैन जी इस बात पर वाकई में दुखी हैं, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आगरा तो एक वुहान बनने जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वुहान नहीं बनने देंगी कांग्रेस पार्टी, ये नहीं होने देगी, पूरा आपका सहयोग करेगी। आप हताश ना हो, क्योंकि अगर आप चाहें तो कांग्रेस पार्टी हर स्तर पे आपके साथ खड़ी हुई है। आगरा में त्राही त्राही मची हुई है इस महामारी की वजह से। लोग गरीब, हर जनमानस सड़कों पर है, क्वारंटाइन बनाए हुए हैं। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि क्वारंटाइन जो बनाए गए हैं, जो संक्रमित लोग हैं जिनको टेस्टिंग होनी है, उनको लिए लाया गया है, तो आखिर उनको भूखे कौन रख रहे हैं। आज जब वीडियो देखा हमने, पर डे दो चार वीडियो आ रही हैं इस तरह की कि जिसमें मानवता को तो शर्मसार करने वाली वीडियो हो गई हैं, कि उसमें भोजन दिया जा रहा है तो फेंक फेंक के दिया जा रहा है। अरे ऐसा क्यों? एक तरफ मोदी जी कहते हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि कहीं हमारे डॉक्टरों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, गरीबों को कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानी नहीं है तो आज ये परिवार रो रो के अपने वीडियो क्यों भेज रहा है कि बचा लो, अगर नहीं बचा सकते हो तो हमें गोली मार दो। यहाँ तक बात आ गई है। तो इस चीज़ पे बहुत ये चिंता का विषय है, सरकार इस पर ध्यान दे। और आगरा के खास करके DM साहब, आपसे भी हमारी पर डे दो चार बार बात हो रही है, आपके पास भी हम ये वीडियोस भेज रहे हैं, CMO के पास भी वीडियोस भेज रहे हैं, कि जो हमारे पास गुहार लगा रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। जहाँ डाला गया 10-10 दिन से लोग, 15-15 दिन से लोग पड़े हुए हैं, उनके लिए पानी तक नहीं दिया जा रहा है। अरे क्यों? एक तरफ केयर फंड में पैसा भी जमा हो रहा है, अरबों का पैसा, कोई हिसाब नहीं आपसे मांग रहा, हिसाब तो ऊपर वाला देखेगा। लेकिन आज मैं विनती करती हूँ अपने योगी और मोदी जी से कि प्लीज़ आगरा की तरफ ध्यान दीजिए, वुहान मत बनने दीजिए। आपके ही व्यक्ति कह रहे हैं, आपके ही मेयर साहब कह रहे हैं, आज आगरा ने 9 विधायक, 2 सांसद दिए हैं, और बड़ी विडम्बना है कि उनमें से एक विधायक महोदय तो हमारे ये कह रहे हैं कि महिलाएं और गरीब जनता उनसे मदद मांगने जा रही है कि हम भूखे हैं, हमें कुछ मदद कीजिए, तो पलट के उनसे कह रहे हैं कि हम तो तुमसे गरीब हैं, हम कहां से मदद करें। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। आज ये वक्त नहीं है कि आप अपनी एक इस तरह की बातें उनके सामने, आज उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद है मेरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने आगरा को, मैंने कई बार आगरा की समस्याओं से अवगत कराया है, तो उन्होंने आगरा को अपने उसमें लिया है और आगरा के बारे में सोचा है, संज्ञान में लेकर। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी प्रियंका दीदी को कि आगरा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और कांग्रेस पार्टी हर स्तर पे अपने आगरा के लोगों के साथ खड़ी। जय हिंद, जय भारत। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।